hello everyone and welcome back uh, so I'm really really sorry for being too late just because uh, my coffee lazy who and I'm really really sorry guys I'm just too much exhausted by my studies and my YouTube so it's quite difficult but it's okay. इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले लियांग से होती है जो कि वैनराव के शूज का सारा कॉपीराइट राइट के नाम ही करवा ही लेता है और इसके लिए उसे वैनराव की डैड से फाइट भी करनी पड़ती है मतलब ऐसी वाली फाइट नहीं सिर्फ और सिर्फ नोक नोकझुक वाली तो वो भी वो करने के लिए तैयार रहता है यहाँ पर वो के डैड को काफ़ी अच्छे से सिखाता है कि वैनराव को अच्छे से ट्रीट कैसे किया जाता है यहाँ पर उसके डैड भी सरप्राइज होते हैं बिकॉज पहली बार उनसे किसी ने ऐसे बात की थी तो को विजिट करता है यहाँ पे वेंड्रा उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और इसके बाद लियांग से हक करता है वेंड्रा को पता था कि लियांग से अच्छा ख्याल उसका कोई भी नहीं रख सकता वो उसकी एक और एक लौती फैमिली है यहाँ पर ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं तभी लियांग के डैड भी इन दोनों को विजिट करते हैं और इसके बाद ये तीनों फुल फैमिली डिनर करते हैं बट आफ्टर ऑल इट्स अ फैमिली मैटर सो सारे फैमिली मेंबर्स को इसे सुलझाना ही पड़ेगा उसके बाद लियांग के डैड वेनराव के एंड डैड को अपने घर पे इन्वाइट करते हैं बिकॉज बच्चों की गलती से बड़े क्यों लड़ाई करें? और यहीं पर हम वेंशन को देखते हैं जैसे ये पसंद नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब लोग इतने काइंड क्यों है वो भी वैनराव जैसी लड़की के लिए जो कि कभी भी किसी के लिए लॉयल नहीं रहती और उसकी हर बात में एक ना एक झूठ तो ही रहता है इसके बाद यहाँ पर लियांग के डैड वैन राव की काफ़ी तारीफ करते हैं कि वैन राव काफ़ी अच्छी डॉटर इन लॉ है और उन्हें वैन राव बिल्कुल अपनी बिल्कुल अपनी डॉटर की तरह लगती है वो हमेशा उनकी कुकिंग में भी हेल्प करती है मैंशिन को पता था कि वैन राव वो घंटा कुकिंग नहीं आती इसके बाद वो तो कहती है कि ठीक है तो क्यों ना आज वैन राव ही हमारे लिए कुक करे इसके बाद वैन राव पैनिक कर जाती है लेकिन उससे बात तो माननी पड़ेगी इसके बाद वो खाना ऑर्डर कर लेती है यहाँ पर वेंशन उसे जल्दी से नोटिस कर लेती है और कहती है कि अब तो तुम गई काम से यहाँ पर वो को चिल्लाकर बता दी कि वह नॉट चीटिंग कर रही है और उसने दरअसल खाना ऑर्डर किया है और हम बात करें तो लियांग को भी अच्छे से पता रहता है कि वेन डॉ कुक नहीं कर सकती इसके बाद लियांग भी उसका साथ देता है और कहता है कि इट्स ओके दरअसल उसे कुकिंग नहीं आते हैं ये बात मुझे पता है और अगर वो किसी को खुश करने के लिए ये सब कर रही है सो तो इट्स ओके बिकॉज फैमिली और इतने में ही लियांग के डैड भी आ जाते हैं और इसके बाद वो चिल्लाकर लियांग के डैड को भी बताती है कि उनकी डॉटर इन लॉ देखिए यहाँ पर खाना तो बना नहीं रही है बल्कि सभी को फूल बना रही है लियांग के डैड पहले तो कुछ टाइम के लिए चुप हो जाते हैं सबको लगता है कि शायद अब कुछ बखेड़ा खड़ा हो

ने इसके लिए भी तुमसे झूठ बोला था यहाँ पर लियांग कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं जबकि मेरी वाइफ मुझे सब कुछ अच्छा ही बोलती है यहाँ पर वेंशन को पक्का पता चल गया होता है कि लियांग के दिमाग के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है तभी तो वेंडाओ उसे इतने अच्छे से फूल बना लेती है के बाद अपकमिंग शू डिज़ाइन कंपटीशन के लिए और राशेन न्यूज़ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर वेंशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहता है उसके डेड का बिकॉज उसे कैसे ना कैसे करके वेनराव जीतना तो है ही यहाँ पर वेंशन अपना दिमाग चलाती है और अपना शू डिज़ाइन तो तैयार करती है साथ में किसी को हायर भी कर लेती है जो किस वेनराव के शूज का ड्राफ्ट उसके लिए उसके पास लेकर आ ही जाएगा और इसके बाद उसे पहले ही पता चल जाता है कि आखिर राव कौन सा शू डिज़ाइन तैयार कर रही है वैन राव की मोम को देखते हैं जो कि इस बार राव की हेल्प करने के लिए तैयार रहती हैं और वो राव को बताती हैं कि उसे दरअसल फाइट करना होगा लेकिन वो भी इस टाइम राव की हेल्प करने के लिए एकदम तैयार है उसके बाद जब राव रिफ्यूज भी कर देती है आफ्टर दैट भी वैनराव की मोम दरअसल वेंशन के शू डिज़ाइन देख आती हैं और वेंशन को पता था कि वैनराव की मोम पक्का ये काम ज़रूर करेंगी अपनी मोम के कॉल्स और उनके टेक्स का जवाब नहीं देती तो उसके बाद वो दरअसल लियांग को अप्रोच करती हैं और उसे बताती हैं कि आखिर वो वैनराव की कितनी चिंता करती हैं यहाँ पर वो लियांग को अपनी स्टोरी बताती हैं कि एज ए सिंगल मदर उन्होंने वैनराव के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ झेला है और वैनराव भी काफ़ी हार्डशिप से गुजरी हुई है यही वो स्पॉट है जहाँ पर उन्होंने वैनराव को बोर्डिंग स्कूल में भेजा था और इसके बाद वो यहाँ पर घंटों तक खड़ी रही थी बिकॉज वैनरॉक से दूर जाने का जो दुख है वो उन्हें भी उतना ही था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी यहाँ पर लियांग उनकी सारी सिचुएशन समझता है लेकिन फिर भी वह शू डिज़ाइन के ड्राफ्ट को लेने से मना कर देता है और जब वेंशन को अपनी थर्ड पार्टी से वैनरॉक के शू का ड्राफ्ट मिल जाता है तो उसके बाद वो लियांग को शो करती है कि आखिर इनकी शू डिज़ाइन सेम ही सेम है मतलब वैन ने उसे कॉपी किया है और वेन की मॉम हमेशा उसके रूम में ताका छाकि करती रहती हैं यहाँ पर लियांग कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज वैन तुम्हारी कॉपी क्यों करेगी बिकॉज उसने तो अपनी मॉम को ऑलरेडी ब्लॉक करके रखा है और अपनी मॉम से बात भी नहीं करती यहाँ पर उसकी मॉम ने उससे अप्रोच किया था लेकिन फिर भी उसने भी मना कर दिया वेन और लियांग को एक्सप्लेन करती है कि उसने दरअसल वेंशन के शू डिज़ाइन को कॉपी नहीं किया है यहाँ पर लियांग कहता है कि बस करो तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे सब कुछ पता है उसके बाद हम वेनराव को देखते हैं जो कि दोबारा से अपने शू डिजाइन को मॉडिफाई कर ही लेती है और उसके बाद अपनी पूरी होप के साथ ही दोनों कॉम्पिटिशन में अपने डिजाइन सबमिट करते हैं जैसे ही के शू को पहली बार देखती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसके शू डिजाइन वेनराव के शू डिजाइन के आगे कुछ भी नहीं है पर वेंशन के शूज को प्रमोट किया जाता है न की वेनराव को वेंशन पर गुस्सा करते हैं कि आखिर वो वेनराव से कैसे हार सकती है तभी वेंशन कहती है कि ओह थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस तरीके से जिताया है बिकॉज मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती आपके लिए जीत इतनी माय नहीं रखती है आपको पता भी है कि मैंने पूरी कोशिश की बट आई कैंट बिकॉज ज्यादा अच्छे हैं मुझसे और यह बात आपसे सहन नहीं हो सकती आप किसी कॉम्पिटिशन की वजह से सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है और हम बात करें तो सारी फसाद की जड़ दरअसल वेंशन नहीं बल्कि उसके डैड हम शू को देखते हैं जो कि वेंशन को दरअसल कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए आता है उसकी जीत के लिए पर यहाँ पर वेंशन उसे इग्नोर करती है और हम देखते हैं कि वेंशन और शू दरअसल दोनों ही एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा ही सही पर लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं हाँ उनका ब्रेकअप हो चुका होता है बट वो फेक वाला रिलेशनशिप ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है अब ये रियल रिलेशनशिप इन दोनों में बिल्ट होना स्टार्ट हो ही जाता है अब वैन वें राव वेंशन को विजिट करती है पर वेंशन कहती है कि अच्छा तुम तो मुझ पर हंसने के लिए आई हो कि मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग की राइट तभी वैन राव कहती है कि नो इट्स ओके बिकॉज मुझे पता है कि आखिर डैड ने क्या किया होगा सो so, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है यहाँ पर वेंशन कहती है कि वाओ तुम अचानक से इतनी काइंड कैसे हो गई वह कहती है कि तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं किया पर मैं हमेशा से इतनी ही काइंड हूँ यहाँ पर वेंशन कहती है कि तो तुम्हारी काइंडनेस में डबल खुशी मैं ही लगा देती हूँ इसका तो कहती है कि क्या यहाँ पर वेंशन कहती है कि जल्दी से मैं मोबाइल चेक करूँगा दिखती है कि उसके शू दरअसल ट्रेंडिंग पर चल रहे होते हैं कि उसने कॉम्पिटिशन को भी विन नहीं किया था वैन राव और वेंशन के बीच में काफ़ी प्लेफुल कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे वेंशन कहती है तो क्या मैं लियांग को बता दूँ तो उसकी चाइल्ड और क्रश को की मैं हूँ वैन राव कहती है बिल्कुल नहीं वेंशन कहती है कि ओ देखो तुम्हें पहली बार मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए इतना परेशान देख रही हूँ और वो बंदा कोई को यल की लियांग है सो मुझे पता है कि उसमें कुछ तो बात है यहाँ पर वैन राव कहती है कि ऑफकोर्स बात है यहाँ पर लियांग ये सारी बातें सुन लेता है और उसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि वेंडाउ से इतना बड़ा झूठ बोल रही थी और इसके बाद हम देखते हैं कि लियांग फिर से वेंडाव से नाराज़ हो जाता है या फिर से मनाने की कोशिश करती है पर इस बार लियांग उसकी एक भी नहीं मानता और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग